हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्रॉम सबीरा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों के दुआ के साथ हम सब भी ठीक हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ केरला स्टाइल फिश करी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मैंने यहाँ पे सेम ऑयल लिया है जिस ऑयल में मैंने फिश फ्राई किया था, उसी ऑयल में मैं भी करी बनाऊंगी फिश करी। तो यहाँ पर तेल ऑलरेडी गर्म है, मैं इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून राई डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे फिश को ऑलरेडी ही नमक, थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च डाल के और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था तो फ्राई कर लिया था, कि हम लोग कच्चा फिश में स्मेल आता है तो इसलिए हम लोग नहीं खा पाते, इसलिए थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ मैं। तो ये हमारे पास आइला है, बंगड़ा भी बोलते हैं इसे। तो अभी मैं डालूंगी हाफ टी स्पून जीरा, इसमें डालूंगी थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा लहसुन मैंने कूट लिया था, थोड़ा सा लाल होने पर ही मैं इसमें एक प्याज डालूंगी, तो मैंने चॉप कर लिया था, थोड़ा लाल हो गया तो मैं प्याज ऐड करूंगी। प्याज को थोड़ा सा लाल होने दूंगी और इस तरफ मैंने चाय बनाया है। वैसे तो हम लोग दोपहर में चाय बहुत पहले पीते थे, अभी बंद कर दिया है कुछ महीनों से, और आज फिर से पीने वाले क्योंकि आज ये जिम नहीं गए थे, तो इसलिए हमने बोला कि क्या थोड़ा सा चाय बना लो, तो चाय बना ली हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के एक, थोड़ा सा प्याज लाल हो गया तो इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 1 टी स्पून धनिया पाउडर। तो अभी इसमें मैं टमाटर का प्योरी डालूंगी, मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिया था, 4 पीस लिया था मैंने, नमक नहीं डाला है, अभी नमक डालूंगी मैं, तो इसको थोड़ा सा उबलाने दूंगी। नमक स्वाद अनुसार, एक पिंच सब करी यानी कि शुगर जो मैं डालती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। इसको अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए सिम में ही ढक के थोड़ा सा पका लूँगी। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, इमली का पानी डालूंगी। तो हमने यहाँ पर अपनी चाय ले लिया है, बच्चों को नींबू पानी दे दिया है, साथ में ये मूली को खा रहे हैं। और मेरे पुराना फ़ोन, मतलब इन्होंने मुझे शादी के बाद पहली बार दिया था ये फ़ोन, 10 साल पुराना है पर मैंने खराब हो गया है, बैटरी को फेंक दिया है, मोबाइल को रख दिया है निशानी के तरीके, मतलब क्या निशानी के तौर पर। हाँ हाँ वही। तो फोन के बाद 2 निशानी और मिली है, एक निशानी मेरे पास निशानी है, हाँ, तो इसीलिए तो ये निशानी रखी संभाल के ताकि यादें जुड़ी रहें। तो आज जिम नहीं गए हैं और जिम से ब्रेक लिया है और खा रहे हैं, तो दबा के खा रहे हैं चकली, इसका थोड़ा सा कलर ग्रीन है आप देख सकते हैं, इसमें पालक ऐड किया है इसकी वजह से ग्रीन है। पालक ऐड नहीं है इसमें, पालक कलर ऐड हुआ है। अच्छा, पालक ही ऐड करते हैं, पालक को पीस के चावल का पाउडर पेस्ट लेते हैं, उसमें चावल का पाउडर लेते हैं, उसमें पालक पेस्ट, नमक और काला जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, नमक, ये डाल के मिक्स करके इसका बनाते हैं, पर मैंने नहीं बनाया है ये। स्वाद आ रहा है तो मतलब क्या है इसका? नमक है पहले तो, फिर इसमें गरम मसाला, गरम मसाला नहीं है, नहीं है जीरा मसाला होगा, जीरा मसाला, नमक, जीरा है, तो साबुत जीरा दिया इसमें। तो अभी ट्राई कीजिए चकली, सर्दियों दिनों में चाय के साथ में मस्त है, आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट है इसका सर्दियों दिनों में चाय के साथ में जबरदस्त होता है, तो जरूर ट्राई कीजिए। देखिए अयान को भूख लग रही है, अयान इधर चलाया इसके साथ, को पसंद नहीं है न्यूज में कि जनवरी से ही खुलेंगे क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, नया साल, तो जनवरी से शायद स्कूल खुलेंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अभी फिलहाल। जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल भी रही है तो घर का तो माहौल समझ रहे हैं, अब डोरेमोन है, शिनचैन है, जियान है, हाँ ये मुझे प्यार से जियान बुलाते हैं, वैसे दिखता नहीं जियान की तरह, बट हाँ हेल्थ वाइज तो बहुत सारे कार्टून्स हैं, लिटिल सिंघम, पता नहीं क्या मुझे याद हो गया।
तो ये सब लोग देखते हैं दिन भर वही देखते मुझे पकाते हैं और कुछ नहीं देखते, न्यूज़ आईपीएल कुछ नहीं, बस एक दिन भर। हाँ कहीं खोती नाया क्या करी नाया ले जाओ ला जाओ ले जाओ मेरे पास आओ आ जाओ मैं कुछ दूंगा चॉकलेट लॉलीपॉप आओ लॉलीपॉप दूंगा लॉलीपॉप आओ चॉकलेट चॉकलेट। तो ये है वो बदमाश लड़की हमारे घर की जो बहुत सारी बदमाशी करती है लेकिन सुबह से उठ के शाम तक मौसम बदल रहा है सर्दियाँ आ रही हैं तो ये जो छींक है पहले छींक था अभी लोग डरते हैं अगर छींक मारी तो कहीं कोरोना तो नहीं है। आप छींक मार ही नहीं सकते हैं आप सांस ले सकते हैं लेकिन छींक नहीं मार सकते ये माहौल अभी फिल वक्त हिंदुस्तान का कि आप छींक नहीं मार सकते अगर मारेंगे तो सब लोग। तो ये और एक शैतान है जो कमांडर है इसका शैतानियों का और ये दोनों मिलकर शैतानियाँ करते हैं घर में दिन भर। ये टमाटर अच्छे से पक गया है तो इसमें भी मैं ऐड करूँगी टमाटर का सॉरी इमली का पानी जो मैंने इमली को भिगो के रखा था वही पानी है और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो इमली के पानी से एक खट्टा टेस्ट आता है जो हमारे घर में सबको पसंद है। अगर आपको भी ऐसे ही खट्टा मतलब जो होता है ना ऐसे पसंद है तो एक बार ट्राई करके देखिए ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसके साथ और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ फिश करी और प्लेन चावल ले लीजिए। आप चाहे तो पापड़ भी फ्राई कर सकते हैं पर ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसको थोड़ा सा उबल आने देंगे उसके बाद फ्राई किए हुए फिर से उबल आ गया है तो इसमें मैं भी फ्राई किए हुए फिश को डाल दूंगी। इसको और 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी इसके बाद ऑफ कर दूंगी। आप चाहे तो ऊपर से धनिया भी ऐड कर सकते हैं पर मैं ऐड नहीं करूंगी ऐसे ही रखूंगी। तो अभी इसको ढक के पका लेंगे खाने के टाइम आपको दिखाती हूँ। तो आज के दोपहर का खाना रेडी है तो बच्चों को खिला लेती हूँ बाद में हम लोग खाएंगे। Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. बनाने वाली हूँ आलू का परोठा तो इसके लिए मैंने लिया है आलू बॉईल कर लिया है। इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी बस इतना ही ज़्यादा नहीं, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा साबुत जीरा, थोड़ा सा प्याज, नमक स्वाद अनुसार अच्छे से भी मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था और ये बहुत मसालेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मैं दिखाती हूँ आपको बना के। तो मैंने यहाँ पे आटा को पहले गूंथ लिया था तो मैं फिलहाल आया नोइना के लिए बना दूंगी।
इस तरफ तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको ऐसे करके जाएंगे जैसे मोमोज बनाते हैं ना, तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये लोग आए हैं, दही नहीं था घर में तो दही लेने के लिए गए थे, आ गए हैं साइड से। मैं दरवाजा खोल गया, इसको मिलेंगे तब तक तवा को गर्म होने देते हैं। इनको अभी रात को आलू पराठा खाना है। कौन खाते बोलिए रात को? हम खाते हैं, हम, क्योंकि हमको भूख है। दोनों को खाना है, हमको खाना है। दोपहर में किसी के YouTube पर देखा था आलू पराठा खा रहे थे, तो इसलिए मुझे मन हुआ, तो मैंने बोला, तो इनको भी मन हो गया। मन हो गया, पेट पापी पेट ले खाना पड़ता है आलू पराठा। अभी रात में बताओ क्या करेगा आदमी, भर भर के तेल डालो, भर भर के बनाओ। टेस्टी खाना है तो थोड़ा सा तेल डालना ही पड़ेगा। तो ये बेल के हो गया है, ये लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी तवा में डाल दूंगी और एक और बना लूंगी। आयान एक ही खाएगा और इनाया भी एक ही खाएंगे, जिसके लिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। अगर आयान को चाहिए होगा तो मैं और एक बना दूंगी, फिलहाल के लिए एक। बेल के हो गया, तभी इसको मैं भी पलट लूंगी और एकदम हल्का थोड़ा सा तेल लगाऊंगी इसके ऊपर। पलट पलट करके सेक लेंगे दोनों तरफ अच्छे से। देखिए कैसे फूल रहा है। बच्चों के लिए बना रही तो थोड़ा सा बटर डाल लूंगी। तो दही निकाल लूंगी बच्चों के लिए। आलू पराठा दही के साथ अच्छा लगता है या प्याज साग के साथ? कितने अच्छे से फूल रहा है।
आयान इनाया रहा हमारा आलू का परोठा, इसमें बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया है तो अभी इन दोनों को दूंगी खाने के लिए। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम सॉफ्ट है। आज का व्लॉग मैं खत्म करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ।